और सब 1977 से स्टार्ट किया अरफात के मैदान से। अच्छा, कंटिन्यू 35 साल तक मैंने अरफात के मैदान में खिदमत की हजों में। हर हजों में अरफात में, मीना में, मुज़दलिफा में मेरे को खिदमत करने का, उस ज़माने से टेम्परेचर 52-55, उस ज़माने में जूस सप्लाई करता था मैं वहाँ पर, पूरा पूरा लोड ले जाके अकेला आदमी कर रहा था। उसके बाद हमारे दोस्त लोग जम गए, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जूस, पानी, आइस 1977 से स्टार्ट करके तकरीबन मैंने 2015 तक कंटिन्यू किया, और हर रमज़ान में मेरा सुपरा रहता था हरम के अंदर पूरा महीना, इफ्तारी सहरी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर भी खिदमत किया है। बाद में मेरा एक शौक है कि किसी का काम करना है आगे बढ़ के, इसलिए मैंने लास्ट मंथ ये ऐसा वबा आ गया तो हमने बोला भी काम स्टार्ट करेंगे। अकेला खड़ा था, हमारे पास पास भी नहीं थे, ये लोग जितने दोस्त लोग थे कोई मैं जानता भी नहीं था इन लोगों को। अचानक हम लोग खाना बनाना शुरू किया तो एक ग्रुप हमारे फ्रेंड सर्कल हमको अचानक मुलाकात होगी, तो मैंने बोला मेरे पास पास बना के दो। वो बोले तुम्हारा एज इतना बड़ा है हम कैसा पास देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा पास नहीं देता था। मैं बोला पास नहीं है तो ठीक है, जो है हम देखेंगे बाद, अल्लाह जो मैं हमारे से कोई मदद देता हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे काम करते गए, उसके बाद हम लोग को पास बीबी ने खुद बुला के हमको पास दिया हमारा काम देख के। उसके बाद में हमने माइग्रेंट लेबर का स्टार्ट हो गया, माइग्रेंट लेबर का काम जब स्टार्ट हो गया तो तकरीबन 232 ट्रेनों में हमने काम किया, तकरीबन 4.5 लाख आदमी को हमने फ्रूट दिया, पानी दिया, उसके साथ हम लोग ने बिस्किट दिया, और बच्चों को तैयारी हमने 500 पेयर चप्पल देता था बच्चों को, बड़ों को मिक्स करके 500 पेयर तकरीबन वो भी दिया। फिर बिस्किट ज़रूरत पड़े तो कोई चीज़ मांगता है तो हम यस, हमने कभी किसी को आज तक ना नहीं बोला, हमारा आदत है बचपन से, हम किसके पीछे नहीं देखता है कल का क्या, कल का देखेगा आज का बात बात करने का, देख के पछता देने का हमारी आदत है। अल्लाह ताला हमको कहीं भी मदद करता है, ये अपना हक की बात नहीं है, ये अपने मैं अपने आप को नहीं बोल सकता, ये सब अल्लाह की मदद है, इसकी मदद के बगैर हम एक पत्ता भी हिला नहीं सकते। जब अल्लाह ताला ने हमको इस मौका दिया है इसको हम नहीं छोड़ना चाहते आज, इंशाअल्लाह हमारे हाथ से जितना होता हम करेंगे, आइंदा भी करेंगे, गरीबों को करेंगे। आज सुबह में यहाँ रास्ते में गया था, एक औरत बैठी थी, बहुत इज्जतदार औरत थी, 250 का सब्जी लेके बैठी है। मैं बोला क्या कर रहे हैं आप, नहीं हमारे पास खाने पीने का नहीं, फैमिली है एजुकेटेड लोग है, उसकी बेटी एम एस पी डी भी है, हस्बैंड मेरा ख्याल फुल ग्रेजुएट है, वो भी ग्रेजुएट औरत है, उसको देख के बहुत परेशान हो गया। तो मैं बोला क्या कर रहे हैं, बोला ऐसा मैं सालने का खर्चा भी नहीं निकलता है, मैंने उसको कुछ हेल्प किया, मैं बोला जो भी होना मेरे पास आके ले जाना, उन्होंने आके फूड भी आज ले दिया, उसको फूड किट भी दे दिया आज इंशाल्लाह, और उसको बोला जब भी चाहे मेरे पास आ जाना। सर हाँ 6000 देते थे, हमारे ग्रुप मिल के तकरीबन 78000 देते थे, मैं हमारा ग्रुप अकेला बोल रहा हूँ 6000 देते थे, फिर हमारा ग्रुप था पूरा, हमारे दोस्त लोग हैं मिल के हम लोग 78000 खाना देते थे पर डे थे, पैकिंग बनने हेल्पिंग में कोई नहीं था गैर कॉम्स में, लेकिन हम देने के टाइम में करने में तकसीम कर सबको देते थे, हम किसी को जात पात नहीं देखते थे, हमारे पास जात पात नहीं है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी इंसानियत भूख सबसे बड़ी इंसानियत है, हम इसके पीछे कभी नहीं देखे कि मुसलमान है हिंदू है क्रिश्चियन, नहीं जो हकदार मुसलमान है वो था तो हिंदू का भी है, हम ऐसा देख के हमारा हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करते, हम लोग को ये पसंद नहीं है, हमारे इस दीन हमको ये नहीं सिखाया, हम मिलजुल के रहना है, एक टेबल में एक प्लेट में खाने वाले हैं हम लोग में हिंदू और मुसलमान हमारे भी फ़र्क नहीं है, उनका अमल उनके साथ हमारा कंटिन्यू करेंगे, उसके पीछे नहीं हटेंगे हम लोग, तो हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी इस मैदान में उतर जाओ, आप भी आ जाओ, कौम की खिदमत करो, ये अच्छा मौका है, ये मौका बार बार नहीं आएगा, अल्लाह ताला ये मौका इंसान को दिया है, इसको गंवाओ मत आज से, पता नहीं इसी में हमारी मग़फ़िरत हो सकती है।